हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेकर आए तुम्हारे इंडियन वर्कर्स लोडर 3D के ऊपर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारे इंडियन वर्कर्स लोडर 3D गेम में फाइनली तुम्हारी स्कॉर्पियो एन ऐड हो चुकी है। और इस स्कॉर्पियो एन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कि तुम्हारे गेम में इसका मोड कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से लिंक डाउनलोड करनी है, और इसके अलावा तुम्हारी GT मस्टैंग और तुम्हारी पोर्शे कार का रियल साउंड कैसे ऐड करना है, एंड पटाखे वाली आवाज़ कैसे कस्टमाइज करनी है, और इसके जो मतलब कि जो स्पॉयलर है एंड तुम्हारे साइलेंसर कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्शन हमने ऐड कर दिया है। एंड उसके अलावा एक चीज़ और, मतलब कि हम मल्टीपल व्हीकल, मतलब कि एक से ज़्यादा दो तीन व्हीकल कैसे स्पेम कर सकते हैं अपने गेम प्ले में, वो भी मोबाइल के चीट कोड के थ्रू। एंड उसके अलावा तुम्हारे गेम में स्कॉर्पियो एन कैसी होने वाली है, तो आज इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो गाइस, लेट्स गो। तो सबसे पहले तुम्हें मतलब कि ऑप्शंस पर जाना, एंड रेंज रोवर के नीचे ही तुम्हें मस्टैंग नाम का व्हीकल मिल जाएगा। तो हम तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी जो सिटी मैप है ना, उसमें मस्टैंग नाम का व्हीकल स्पेम कर दिया है एंड ऐड कर दिया, मतलब कि पहले तो फार्मिंग मोड में ऐड किया था, बट अब हमने सिटी मैप है, ओल्ड मैप है, एंड जहाँ तक टोचन मैप में भी ऐड कर दिया है। और अगर तुम्हें जो यूज़ करनी हो ना GT मस्टैंग में, तो तुम एलॉय व्हील चेंज कर लेना भाई। GT मस्टैंग के जो मैंने अभी फिलहाल में एलॉय व्हील लगा रखे हैं ना, ये वाले एलॉय व्हील लगा लेना, क्योंकि भाई जो लुक एंड मॉडिफिकेशन जो GT मस्टैंग की निकलती है, अच्छी जो लगती है, वो मॉडिफिकेशन जो एलॉय व्हील है भाई, लिटरली ये ही वाले एलॉय व्हील है। और इसमें हम एक और नई चीज मतलब कि ऐड कर रहे हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे मतलब GT5 में एक सिस्टम होता है शैडो, मतलब कि जो हमारे एलॉय व्हील को चौड़े एंड फैट टायर करने वाला ऑप्शन होता है, एक सेटिंग आती है अलग से कस्टमाइज करने वाली एलॉय व्हील को, वो वाली सेटिंग हम तुम्हारे इंडियन व्हीकल्स सोनाटा 3D गेम प्ले में भी इसी अपडेट में देने वाले हैं। बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुम्हारी इस सेटिंग को हम ऐड करें या नहीं, मतलब चौड़े टायर तुम्हारे ट्रैक्टर हो, चाहे तुम्हारी कार हो, चाहे बाइक हो, कोई सी भी व्हीकल हो, सभी व्हीकल के हम चौड़े और मोटे टायर मतलब कि 26 इंच, जैसे तुम मॉडिफिकेशन करना चाहो एलॉय व्हील की, ऐसी मॉडिफिकेशन खुद के थ्रू मतलब कि अपने आप कस्टमाइज कर सको एलॉय व्हील को, ऐसी वाली मतलब कि सेटिंग हम ऐड करें या नहीं कमेंट करके जरूर बता देना। एंड उसके अलावा तुम्हारी पोर्शे भी हमने तुम्हारे न्यू सिटी मैप में ऐड कर दी, और जो येलो कलर एंड वाइट कलर और रेड कलर में जो तुम्हारी मतलब कि पोर्शे का लुक लगता है ना भाई, लिटरली। और इसके अलावा एक चीज लगा लेना, जो मैंने मतलब कि तुम्हारी GT मस्टैंग पर जो एलॉय व्हील ले रखे थे ना, वो ही एलॉय व्हील सेम इस पर भी लगा लेना, मतलब कस्टमर जाके व्हील्स में जाके, और वहाँ जाके तुम्हें मतलब कि इसका सस्पेंस 4-4 या 5-5 कर लेना, अपने मतलब कि अपने हिसाब से सस्पेंस इसका सेट कर देना है। और अब हम चलते हैं तुम्हारे टोचन मोड में, मतलब कि सुपर कार का टोचन करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं आप सभी को कुछ तुम्हारी स्कॉर्पियो एन की कुछ फोटो दिखाता हूँ, जो कि तुम्हारा 3D मॉडल है, जो कि इसी अपडेट में दें या नहीं दें कमेंट करके बता देना, मतलब कि स्कॉर्पियो एन को इसी गेम प्ले में ऐड करें या इसी अपडेट में ऐड करें या मतलब कि किसी और इन फ्यूचर ऐड करें, कमेंट करके बता देना। हम स्कॉर्पियो एन को या तो सोच लें कि इसी अपडेट में ऐड कर दें, अगर आप सभी की डिमांड होती है और वोट होते हैं स्कॉर्पियो एन के लिए, तो हम स्कॉर्पियो एन इसी गेम प्ले में ऐड कर देंगे, वो भी इसी बार के अपडेट में। और अब हम तुम्हारा टोचन करके देते हैं तुम्हारी GT मस्टैंग एंड तुम्हारी जॉन डीयर ट्रैक्टर का, कि तुम्हारी कौन सी कार मतलब कि स्पोर्ट्स कार वर्सेस ट्रैक्टर हो जाता है, कि कौन सा जीतता है। और टोचन बोर्ड में ना तुम एक चीज़ जरूर कर लेना, मतलब कि ऑप्शंस में जाके वहीं होती है, तुम्हें सिमुलेटर की जगह ना सेमी एग्रीनेट या फन मोड सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि भाई ये तो रियल टोचन होता है ना, उसी मोड को सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारा रियल टोचन हो पाता है। और तुम्हारी मतलब कि GT मस्टैंग मैंने फुल रेस दे दिया, और उधर भी मैंने टिक कर दिया है, तुम्हारा जनरेटर ताकत तो लगा रहा है, बट भाई जनरेटर यूँ खींच ले जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये भी है, तुम्हारे जो GT मस्टैंग के जो एलॉय व्हील ग्रिप है ना, वो भी कम है, एंड टायर के छोटे टायर है, और 4x4 नहीं है। और उसके अलावा तुम्हारे ट्रैक्टर की तरफ आ जाओ, तो तुम्हारा ट्रैक्टर ना भाई 4x4 है, एंड उसके अलावा जो टायर है वो भी बड़े बड़े हैं, और टायरों में भी भाई ग्रिप है। तो रीज़न यही है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स कार को भाई खींची ले जाएगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न भाई यही है कि पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स कार नहीं खींच सकती है। बट अभी एक चीज़ और करके देखेंगे, मतलब कि GT मस्टैंग को पलंग करेंगे, जॉन्डियर ट्रैक्टर को इधर की साइड, मतलब कि हम कंट्रोल करेंगे जॉन्डियर ट्रैक्टर को, और कंप्यूटर कंट्रोल करेगा तुम्हारी मतलब कि स्पोर्ट्स कार GT मस्टैंग को। तो देखते हैं कौन सा तुम्हारा ट्रैक्टर जीतता है या तुम्हारी स्पोर्ट्स कार जीती है, क्योंकि मैं मतलब कि अभी यह कि कंट्रोल है वो सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब कंट्रोल अभी सेट नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि हम हार रहे हों। कंप्यूटर भाई कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है, और जो मैनुअल कंट्रोल होती है वो मैनुअल कंट्रोल ही होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल कंट्रोल में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तुम्हारी GT मस्टैंग को पलंग ले लेंगे, और तुम्हारी जो तुम्हारा जॉन डीयर ट्रैक्टर है उसको उधर की साइड ले लेंगे, और उसके बाद टोचन करके देखेंगे,
और भाई इसी टोचन मोड में अभी मतलब कि रेस करके दिखाऊंगा कि रेस का मैप हम कैसे सेट कर सकते हैं तुम्हारे टोचन मोड में, तुम्हारी मतलब कि एक दूसरे की कार कैसे रेस कर सकते, कैसे सेटअप करना है वो भी सेटअप करके बताऊँगा कैसे कैसे सेटअप कर सकते हो आप सभी मतलब कि रेस का। एंड उसके अलावा मैंने अभी फिलहाल में तुम्हारा जनरेटर अपनी कंट्रोल में ले लिया एंड तुम्हारी कंप्यूटर भी कंट्रोल में ले लिया तुम्हारी जीती मस्टैंग। तो अब देखते हैं मतलब कि तुम्हारा ट्रैक्टर जीता है या तुम्हारी मतलब कार जीती है। अभी तो जो फिलहाल में भाई कार ट्रैक्टर को खींच ले जा रही है, मुझे लगता है कि जो इसकी हाँ एक चीज़ जो चेक कर लेना तुम टोचर करने से पहले कि कॉन्फिग फाइल की जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से सेट है, जो तुम्हारा मैनुअली तुम कंट्रोल कर रहे हो उस व्हीकल को उसकी जो मतलब कि कॉन्फिग फाइल की जो सेटिंग्स हैं वो सेट हैं या पावर और तुम्हारी स्टीयरिंग पावर एंड तुम्हारी कॉन्फिग क्लच पावर वो सेट है या नहीं वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ट्रैक्टर या कार पावर इसी रीज़न के पीछे नहीं लगा रहे हो। तो सिंपल से हम क्या करेंगे कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे कॉन्फिग फाइल में जाएंगे और वहाँ जाके चेक करेंगे जो भाई टॉर्क तो 500 हो रहा है, बस 500 टॉर्क हो रहा है तो उसको 5000 या 50000 टॉर्क कर लेना, 50000 टॉर्क करने के बाद उसके बाद या 5000 कर लेना और क्रैच थ्रेशोल्ड को फुल कम कर देना और RWD था इसे AWD कर देंगे तो तुम्हारा ट्रैक्टर 4x4 हो जाएगा। और ट्रैक्टर की तो पावर चेकआउट करो, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब कि पावर जो है ना वो बढ़ चुकी है और अब पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे जॉन डीयर ट्रैक्टर को तुम्हारी GT मस्टैंग भाई खींच ले जाए। तुम देख रहे हो GT मस्टैंग आगे से उड़ रही है बट भाई ट्रैक्टर की जो पावर है वो एक्सट्रीम लेवल की है। अब तुम जॉन डीयर ट्रैक्टर की पावर चेकआउट करो भाई आगे से उड़ चुका है, मतलब कि अगर तुम फ्रंट ट्रैक को चूज कर लोगे ना फ्रंट ट्रैक को मोड को सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारे ट्रैक्टर एंड कार भी आगे से उठेगी भाई फ्रंट ट्रैक को ओपन करते समय। एंड उसके बाद जो तुम कार की और ट्रैक्टर की फील एंड टोचन की फील देखोगे ना भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और अब मैं बताने वाला हूँ मतलब कि आप सभी रेस कैसे कर सकते हो, ट्रैक्टर वर्सेस ट्रैक्टर की भी रेस कर सकते हो, ट्रैक्टर ट्रैक्टर की रेस कर सकते हो, ट्रैक्टर बाइक की रेस कर सकते हो, ट्रैक्टर कार की रेस कर सकते हो एंड उसके अलावा कार वर्सेस कार की भी रेस कर सकते हो। सिंपल सा कि टोचन में जाना मॉडिफिकेशन में जाके टोचन में जाएंगे टोचन मॉडिफिकेशन में और जो तुम्हारी चेन सेलेक्ट होगी ना उसको अनटिक कर देना, चेन को हटा देना सिंपल सा, ठीक है। सबसे पहले ये सेटअप करना है तुम्हें, चेन हटा देनी है तुम्हारी जो ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर की और जो कार के बीच में जो तुम्हारी टोचन टोइंग चेन लग रही है उस चेन को हम हटा देंगे। एंड उसके बाद मतलब कि तुम देख रहे होगे कि अभी तो फिलहाल में जो तुम्हारी टोइंग चेन थी वो रिमूव नहीं हुई है क्योंकि वो कभी कभार क्या होता है कि वो ग्लिच हो जाती है। तो इस ग्लिच को हटाने के लिए फिर दोबारा से हम ट्राई कर सकते हैं कस्टमाइज में जाके फिर दोबारा से मतलब कि मॉडिफिकेशन में जाना फिर टोचन मॉडिफिकेशन में जाना, कहीं नहीं जाना, टोचन मॉडिफिकेशन सबसे लास्ट ऑप्शन होगा और फिर दोबारा से उसे अनटिक कर देंगे। तो क्या होता है कभी कभार वो ग्लिच हो जाती है ना तो वो तुम्हारी हट जाएगी, ठीक है। हटने के बाद आप सभी को मतलब कि वर्सेस करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा ऑप्शंस में जाके अपनी तुम्हारी जी वैगन को सेलेक्ट कर लूँगा, जी वैगन वर्सेस तुम्हारी मतलब कि GT मस्टैंग हो जाए कि तुम्हारी GT मस्टैंग को भगा पाते। अभी तुम्हारी क्या हो रहा है GT मस्टैंग भाई बहुत आगे पहुंच चुकी है क्योंकि नॉर्मल तरीके से अनकंट्रोलेबल हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर तुम मतलब कि कमेंट करते हो इस वीडियो पे कि तुम्हारा एक रेस ट्रैक भी ऐड कर दें मतलब कि बहुत ज़्यादा और वीडियो पे अभी भाई कमेंट आ रही है कि रेस ट्रैक भी ऐड करो क्योंकि भाई देखो जी वैगन ऐड हो चुकी है, तुम्हारी GT मस्टैंग भी ऐड हो चुकी है, सुपरा भी N4 से एंड उसके अलावा तुम्हारी मतलब कि स्पोर्ट्स कार सुपर कार XUV कार और तुम्हारे ट्रैक्टर हैं इन सभी की हम नॉर्मल तरीके से रेस कर सकें। एक ऐसा अलग से मोड डाल दो, रेस ट्रैक बोल सकते हैं, रेस मैप बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारा फार्मिंग मोड टोचन मैप एंड तुम्हारा ओल्ड मैप ओपन वर्ल्ड मैप है उसी तरीके से एक अलग से डिफरेंट मैप बनाया जाए जिसमें मतलब कि कार की रेस हुआ करें लाइक उस तरीके से हम उस गेम प्ले में कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अगर तुम कमेंट कर देते हो इन फ्यूचर, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे फार्मिंग मोड में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, अगर आप सभी कमेंट करते हो तो इस वीडियो पर तो हम इन फ्यूचर तुम्हारे रेस ट्रैक भी ऐड कर देंगे, अलग से मैप बना देंगे रेस का। एंड और आप सभी देख रहे हो मतलब कि इस तरीके से तुम नॉर्मल सेटअप करके ना मतलब सही से सेटअप करके, अभी फिलहाल में मैंने सेटअप अच्छे से नहीं किया है, अगर तुम सेटअप अच्छे से करके तुम कार की रेस करना चाहते हो बैक एंड फ्लिप वाली वो भी तुम टोचन मूव में कर सकते हो, टोचन मैप में ट्राई कर सकते हो इस रेस को, मतलब कि एक जोरे अपनी दोनों कारों को लगा के और उसके बाद उसको टर्न ऑन कर देना और अपनी कार को भगा देना मैनुअल तरीके से, वो कंप्यूटर से चलेगी वो तुम्हारे मैनुअल तरीके से अपने से जो कंट्रोल कर लेना। तो ऐसे भी हम तुम्हारी कार की रेस कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल करके देख लेना। एंड और अब हम देखते हैं कि तुम्हारी फार्मिंग मोड में भी तुम्हारी मतलब कि पूर से कार ऐड कर दी है, मतलब कि वो तो बहुत पहले वीडियो आ चुकी है तुम्हारी फार्मिंग मोड की और तुम्हारी, अब कमेंट करके बताओ भाई कि तुम्हारी स्कॉर्पियो एंड तुम्हारे गेम प्ले में ऐड करें या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता देना क्योंकि तुम्हारा 3D मॉडल स्कॉर्पियो एन का रेडी कर दिया है। अगर तुम इस वीडियो पे मतलब कि 100 कमेंट और 1000 लाइक करवा देते हो इस वीडियो पे
तो मतलब कि तुम्हारे गेम प्ले में स्कॉर्पियो एंड इस बार की गेम मतलब इस बार के जो अपडेट आएगा ना तुम्हारी फार्मिंग मैप का, उसी अपडेट में स्कॉर्पियो एंड भी ऐड कर देंगे। और अभी जो फिलहाल वर्क चल रहा है वो तुम्हारी मतलब कि टोड़े टायर मोटे टायर करने वाली कस्टमाइजेशन सेटिंग पर वर्क चल रहा है, उसी हम शैडो वर्क्स पर काम कर रहे हैं। अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम्हारा सीडर एंड हरियाणा बस पर काम चलेगा और उसके बाद तुम्हारी गेम प्ले का अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। ये भी बहुत ज़्यादा कमिंग सून अपडेट है क्योंकि सभी चीज़ों पर हॉल वाले वर्क होता जाता है, थोड़ी चीज़ और रह गई हैं, उन चीज़ों को अपडेट करने के बाद तुम्हारी गेम प्ले का अपडेट दे देंगे। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।